नक्सल प्रभावित गांव बिठली में सीआरपीएफ जवानों ने आदिवासी बच्चों के लिए निशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण का किया शुभारंभ। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 123वीं बटालियन की पहल पर उकवा के नक्सल प्रभावित ग्राम बिठली में एक निशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया, जहां कंपनी कमांडर सुधीर कुमार के निर्देशन में द्वितीय कमान अधिकारी वीसी शर्मा के मुख्य अतिथि एवं असिस्टेंट कमांडेंट प्रदीप कुमार, युवा समाज सेवी एवं सर्वधर्म सेवा समिति उकवा के अध्यक्ष जेम्स बारिक, प्रभारी प्राचार्य सी एस बिसेन आदि की उपस्थिति में रिबन कार्ड एवं मां सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ इस कार्य का शुभारंभ किया गया। इस पहल से न केवल बच्चों को कंप्यूटर का ज्ञान होगा अपितु इसके भविष्य निर्माण में भी एक अभिनव पहल होगी। इस प्रशिक्षण में ग्राम बिठली के आसपास के ग्रामों के 23 आदिवासी बच्चों का चयन किया गया है, जिनको निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा एवं सफल प्रतिभागियों के भविष्य के लिए रोजगार की संभावना भी तलाशी जाएंगी। इस अवसर पर सीआरपीएफ के निरीक्षक करण सिंह, हरि नारायण, कोमल सिंह आदि के साथ वरिष्ठ शिक्षक अनिल काले, नीरज मुरकुटे, रमेश टिकाम आदि के साथ साथ कंपनी के अनेकों जवान, स्कूली बच्चे और ग्रामीण जनों की उपस्थिति रही। आज आपका कंप्यूटर क्लास खुली है, कैसा लग रहा है? कंप्यूटर क्लास किनके द्वारा खोली गई है? कंप्यूटर क्लास सीआरपीएफ क्लास 9th से सीआरपीएफ के द्वारा जो कंप्यूटर चालू हुआ, मैं बहुत अच्छा लग रहा है। कौन क्लास पढ़ते हो? कौन से स्कूल में? शासकीय माध्यमिक, शासकीय चतुर माध्यमिक विद्यालय बिठली। थैंक यू। 123 बटालियन द्वारा जगह जगह प्रोग्राम प्रायोजित किए जा रहे हैं, उसी क्रम में दो जगह बहला और बिठली में कमांडेंट सुधीर कुमार जी के नेतृत्व में कंप्यूटर क्लासेस चलाई जा रही हैं, जहां पर 20-20 बच्चे लिए गए हैं। यहां पर 13 लड़कियां और 10 लड़के, टोटल 23 बच्चे कंप्यूटर क्लासेस के लिए चुने गए हैं। और इसके पीछे सोच यही है कि ये बच्चे, क्योंकि कंप्यूटर का ज़माना है और कम से कम ये चीज़ें आगे इनके काम आएंगी, भविष्य को देखते हुए ये अपना सीखें और आगे उन्नति करें। आपका परिचय? आप सर बी एस लगा लो। आपका परिचय? मैं वी के शर्मा, द्वितीय कमान अधिकारी, 123 बटालियन। थैंक यू। उकवा से अशोक राउत।